प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते बीकानेर के खाजूवाला में शीतलहर का दौर जारी है, वहीं तेज हवा के साथ मावठ भी हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिन तक बारिश का पूर्वानुमान है। ऐसे में मावठ के बाद ठिठुरन और बढ़ेगी। वहीं किसानों का कहना है कि खेतों में खड़ी फसल के लिए मावठ वरदान साबित होगी। तो दो दिन बारिश का पूर्वानुमान किसानों के लिए मावठ वरदान साबित होगी। शीतलहर ने ठंड को और बढ़ाई है, तेज हवा के साथ मावठ हो रही है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता सुरेंद्र डेलू फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी सुरेंद्र, देखिए ऐसा बताया जा रहा है कि जो मावठ है वो किसानों के लिए वरदान साबित होगी और शीतलहर से ठंड और भी ज्यादा बढ़ी है, क्या कुछ अभी जानकारी? आयुषी, पिछले दो दिनों से लगातार मौसम में परिवर्तन देखा जा रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते शीतलहर भी जारी है, बारिश होने के आसार भी है, ठंड भी बढ़ रही है, लोगों ने घरों में दुबके भी नजर आ रहे हैं, अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। जिस तरीके से पश्चिमी विक्षोभ ने पहले 7 जनवरी के आसपास भी क्षेत्र में अच्छी बारिश हुई थी, मौसम बदला था। हालांकि अभी भी मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार दो दिन बारिश के आसार बताए जा रहे हैं क्षेत्र में। सीमावर्ती क्षेत्र में खाजूवाला में इस समय कल देर शाम को बूंदाबांदी हुई थी। शीतलहर जारी है, तेज हवा चल रही है। हालांकि इस हवा से ठंड जरूर बढ़ी है, लेकिन जिस तरीके से मावठ के आसार और मावठ हो रही है उससे खेतों में खड़ी फसलों के लिए वरदान साबित होगी। विशेषकर जिस तरीके से इस समय सिंचाई पानी की कमी नजर आ रही है, खेतों में बारिश के आसार पर ही यह फसल की उम्मीदें किसानों की टिकी हुई है। तो ऐसे में जिस तरीके से मावठ जारी है तो मावठ से कहीं ना कहीं खेतों में खड़ी बिरानी फसल है, जैसे तारमीरा है, उस फसल को बहुत ही फायदेमंद होगी उसके लिए। जैसे चने और सरसों की खेती है, तो कहीं ना कहीं अगर इस क्षेत्र के अंदर अच्छी मावठ हो जाती है एक बार फिर, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार सिंचाई पानी का जो आंदोलन चल रहा है, तो उससे भी किसानों को एक बड़ी आस और उम्मीद जगी हुई है कि अगर इंद्र देवता मेहरबान होते हैं तो खेतों में खड़ी फसलों को अच्छा फायदा मिलेगा। जिस तरीके से दो दिनों से मौसम में पूरी तरह परिवर्तन है, धुंध भी छाया हुआ है, कोहरा भी छा रहा है, देर रात्रि से ही मावठ हो रही है, तेज हवा चल रही है, सर्दी भी बढ़ी है, तो आगामी एक दो दिन तक और भी मौसम विभाग ने बारिश होने के आसार भी जताए हैं। जी आयुषी जी, शुक्रिया सुरेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो शीतलहर से ठंड बढ़ी है, आपको बता दें तेज हवा के साथ मावठ भी हो रही है। किसानों के लिए मावठ अच्छे वरदान साबित हो सकती है, क्योंकि मावठ की वजह से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। शीतलहर ने ठंड और ज्यादा बढ़ाई है, तेज हवा के साथ मावठ हो रही है। लगातार प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के चलते ठंड बढ़ी है, शीतलहर देखने को मिल रही है, ठंड हवाएं भी चल रही हैं और मावठ भी हो रही है, लेकिन किसानों के लिए ये मावठ वरदान साबित हो रही है। तो लगातार प्रदेश में ठंड बढ़ती ही दिखाई दे रही है, दो दिन बारिश का पूर्वानुमान भी लगाया जा रहा है, तो किसानों के लिए मावठ वरदान साबित होगी। शीतलहर की वजह से प्रदेश में ठंड बढ़ी है, हल्की बारिश भी देखी गई,